इसको करने के लिए बिल्कुल खाली पेट होना चाहिए, ठीक है। भोजन करने के 5 घंटे के बाद कर सकते हैं या भोजन करने के 5 घंटा पहले कर सकते हैं, यानी भोजन करने के मैंने आप इस भोजन करने के तुरंत बाद नहीं कर सकते हैं इसको। सावधानी में हमें पेट का ऑपरेशन हुआ हो या हृदय का ऑपरेशन हुआ हो तो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। यदि किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो तो आप सामान्य गति में या धीरे धीरे इसका प्रैक्टिस करेंगे कपालभाति का। किसी भी माँ बहन को यदि मासिक धर्म चल रहा हो उसमें हम कपालभाति नहीं करवाते हैं, और कोई भी माँ बहन गर्भावस्था में है, प्रेग्नेंट है, उनको भी हम कपालभाति का प्रैक्टिस नहीं करवाते हैं। बाकी 5 बरस से छोटे बच्चों को भी नहीं कराते हैं, 5 साल से 10 साल के बच्चों को हम 2 से 5-6 मिनट तक का, और 10 साल से बड़ों को हम 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट, और बड़ी बीमारियों में हम उसमें आधा आधा घंटा दो दो टाइम करवाते हैं। तो आइए 1 मिनट करके इसको देखते हैं। नाक से झटके से सांस को बाहर फेंकना, पेट अपने आप अंदर जाना, बहुत अच्छा, सब अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। करिए, पीठ सीधा, पीठ को सीधे रखना है, हथेली ऊपर की तरफ, देखिए मंच की तरफ, बहुत अच्छा। देखिए हमारे दिव्य सोनू जी, महात्मा जी, आप सभी लोग बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे। सांस को झटके से बाहर फेंकना है, पेट अपने आप अंदर जाएगा, सांस बाहर निकलेगा। जिनका पेट निकला हुआ है उनके लिए, चर्बी खत्म करने के लिए, जिनको स्वप्न दोष है, धातु रोग है, बांझपन नपुंसकता है, शरीर में जोड़ जोड़ में दर्द है, गठिया है, फाइलेरिया है, बहुत अच्छा, पाचन शक्ति की कमजोरी है, जिनको मधुमेह की समस्या है, जिनको लीवर खराब, फैटी लीवर, हेपेटाइटिस भी हो गया, सी हो गया, जॉन्डिस हो गया, उसमें भी लाभकारी। मैंने उदर संबंधी जितनी प्रकार की समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को ये दूर करने की ताकत। गैस कब्ज तो 4 से 5 दिनों में खत्म हो जाता है। इसलिए जिनको 100 साल तक जीवित रहना है इस वर्तमान परिवेश में, तो आप चारों प्रकार के प्राणायाम नियमित रूप से करें। कपालभाति तो जरूर 15 मिनट करें, और बीमारी के तौर पर मैं अभी बताया कि सभी प्रकार के बीमारियों में कितना लाभप्रद होता है।